डीएचए में एक घर बना रहे हैं जिसके मेन डोर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब दो किस्म के डोर्स होते हैं, दूसरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मेन डोर, जो हमारा मेन डोर है वो सॉलिड वुड का है, सॉलिड ऐश वुड है, और इसके थिकनेस 1.5 इंच है और ये टोटल सॉलिड वुड में बना हुआ है। सॉलिड वुड का फायदा ये होता है कि ज्यादा ड्यूरेबल है, वेदरिंग इफेक्ट से कम डिस्टर्ब होता है। और वैसे अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं ये जगह, तो ये ऊपर थोड़ा सा शेड भी है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश वगैरह नहीं आती। और ये मेन जो डोर होता है अक्सर सॉलिड वुड ही होता है क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल है। और इसकी साइड पर अगर चौकाट देखें, इसके पास दो चॉइसेस होती हैं, वुड की भी होती है और मेटल की भी होती है। ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर जो पॉलिश होगी एग्जैक्टली ये होगी जो दरवाजे के ऊपर होगी, तो ये मिल जाएगा साथ। टावर बोल्ट, ये टावर बोल्ट है। दूसरा दरवाजा दिखाते हैं जिसको हम इंजीनियर्ड डोर यूजुअली कहते हैं। ये बोथ साइड प्रेस, हॉट प्रेस प्लाई, ये वुड का फ्रेम है और आउटर साइड पे वुड की लिपिंग है। बोथ साइड पे हॉट प्रेस प्लाई, तो ये बीच में एक लकड़ी का फ्रेम है। तो दिस इज द इकोनॉमिकल ऑप्शन और आजकल बहुत ज्यादा ये डोर यूज होते हैं। लुक्स रियली फाइन। और इसकी भी अगर आप चौकाट देखें तो मेटल की है और ये बिल्डिंग लगी हुई है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा, यहाँ से गुजरा था तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये हमारी डबल हाइट का गाउन चेक करें। और जो मेन डोर होता है वो अक्सर उसका होता है सॉलिड का होता है।